हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड गुड डे। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में डीप सीक्रेट डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो विषय है जो हमारा प्रोफेशन और विश्वांसा चार्ट से रिलेटेड है और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने ज्योतिष के इस पूरे सफर में 35 साल लगाए हैं और वो इस ज्योतिष के सफर में 1979 से जुड़े हुए हैं और उनका अपना यूट्यूब का चैनल भी है और जिसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं और लगातार 19-20 साल से वो टीचिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना संस्थान भी दिल्ली में खोला है, नवयुग ज्योतिष संस्थान, जिसमें वो अभी भी लगातार काफ़ी स्टूडेंट्स को टीचिंग कर रहे हैं, ज्योतिष की टीचिंग कर रहे हैं। और उससे पहले वो अपने बैंकिंग सेक्टर में जॉब भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो उन्होंने ज्योतिष के सफ़र को छोड़ा नहीं और आज लगातार ज्योतिष के इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब ज्योतिष के पूरे वर्ल्ड में वो अपनी ज्योतिष की लगातार अपने काम करे जा रहे हैं और हर साल एक नई अपनी बुक्स लिख रहे हैं। उन्होंने अभी तक 12 से ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे आचार्य दिलीप जी का। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी सर। आपकी ये ज्योतिष में आपने इतना समय लगाया और आप 1979 से ज्योतिष में जुड़े हुए हैं और अभी तक आप इसकी मतलब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और टीचिंग भी कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट को आप सिखा भी चुके हैं, तो ये आपका सफर ज्योतिष का सफर कैसा रहा? मतलब आपने कैसे इस सफर में जुड़े और कैसे ज्योतिष की शुरुआत? मेरे अंकल बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जी। मैंने ज्योतिष उन्हीं से सीखा था और लगभग 39 ईयर हो गए मुझे ज्योतिष में प्रैक्टिस करते हुए। 21 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और 12 बुक्स मैं एस्ट्रोलॉजी पर लिख चुका हूँ, पब्लिश हो चुकी है मेरी 12 बुक्स और लगभग 9000 स्टूडेंट्स को मैं ज्योतिष सिखा चुका हूँ मेरी क्लास में। मेरा इंस्टीट्यूट है रोहिणी दिल्ली में। तो आपका ये मतलब सफर ये कैसे स्टार्ट हुआ? आप मतलब कैसे ज्योतिष में आए? मतलब आप बैंकिंग के, जब आप बैंकिंग जॉब में थे, बैंकिंग तब से ही ज्योतिष में आप इसमें जुड़े थे या फिर बाद में आप जुड़े? मैं ज्योतिष पहले ही कर रहा था, मेरे अंकल ने जो मुझे सिखाया था। बैंकिंग में तो मैं बाद में आया, उससे पहले मैं रेलवे में भी जॉब करता था जी। और मेरे अंकल ने जो सिखाया था, हमारा ये खानदानी है जी, तो काफी समय से प्रैक्टिस कर ही रहे थे। फिर बैंक में जॉब लग गई तो बैंक में भी जॉब कर ली हमने जी। बैंक की जॉब उस समय 2 बजे तक होती थी पब्लिक डीलिंग, हम 4, 4:30, 5 बजे तक घर आ जाते थे। फिर 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक पब्लिक डीलिंग होती थी। लोगों की सेवा करना ही मेन उद्देश्य था मेरा। तो आपने मतलब शुरू से ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च की या मतलब आप किसी और स्ट्रीम में भी गए, जैसे कि जेमिनी है, केपी है, नारी है, कृष्ण है, बड़ी सारी ज्योतिष की स्ट्रीम्स हैं? मैं जेमिनी भी सिखाता हूँ और प्रश्न शास्त्र भी सिखाता हूँ। इसके अलावा पामिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, वास्तु सभी कोर्स में सिखाता हूँ और एक हिसाब से टीचिंग कर ही रहा हूँ। तो सर, अगर आप बात करें जैसे आज का विषय हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे अपने कार्य को निर्धारित कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोफेशन को ढूंढ सकते हैं और करियर का पूरा देख सकते हैं, तो आपके हिसाब से वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या? मतलब व्हाट इज एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? हम किसी का भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल बता सकते हैं जी। उसमें जैसे आपने प्रोफेशन के बारे में पूछा, तो प्रोफेशन हम बता सकते हैं जब बच्चा पैदा होता है, कुछ एजुकेशन बता सकते हैं कि कौन सी एजुकेशन लाइन में जाएगा, आर्ट्स करेगा, कॉमर्स करेगा या साइंस करेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या ऑर्डिनरी जॉब करेगा, ये सब वहाँ से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 5th हाउस से पता लग जाता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए हमें 10th हाउस देखना पड़ता है, 10th लॉर्ड देखते हैं और प्रोफेशन के 10th हाउस के 4 स्थायी कारक होते हैं, सूर्य, शनि, गुरु और बुध। सूर्य को हम देखते हैं पॉलिटिक्स के लिए या हायर पोस्ट के लिए, गुरु को देखते हैं धन के लिए प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए भी देखते हैं, और शनि को हम देखते हैं जॉब के लिए या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए, और बुध का विचार किया जाता है कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। तो
भावों में दशम भाव, दशमेश और कारक तीनों पर विचार करना चाहिए। ये हम सिर्फ D1 लग्न कुंडली में भी नहीं करते, सिर्फ D1 से नहीं D9 में भी करते हैं, नवांश कुंडली में भी करते हैं, और दशमांश होता है D10 डिविजनल चार्ट 10 उसमें भी इन्हीं तीनों चीजों का विचार किया जाता है। लगन सॉरी टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड और कारक, ये लगन कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली तीनों में ही विचार किया जाता है, उससे हमें प्रोफेशन डिसाइड करने में आसानी। तो सर आप अगर मतलब आप कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे बताना चाहें कि जैसे कि हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर एक दशमेश, अगर दशमेश की स्थिति नवांश में कैसी है और दशमांश में कैसी है, लग्नेश लग्नेश में कैसी है, तो उससे हम कैसे मतलब कैसे जान सकते हैं उस चीज के लिए, अगर आप कोई एग्जांपल देके बताएं। सर लग्न कुंडली में हम दशमांश की पोजीशन देखते हैं, दशम भाव में बैठे ग्रहों का या दशम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। कई बार क्या होता है दशमांश त्रित भावों में चला जाता है या नीच हो जाता है या अस्त हो जाता है, तो उसके प्रोफेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम दशमांश की पोजीशन लगन कुंडली में देखते हैं, फिर मान लो लगन कुंडली में पोजीशन खराब हो तो उसको नवांश कुंडली में देख के देखते हैं कि उसमें कुछ बल में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। अगर उसमें पोजीशन अच्छी हो जाती है तो थोड़े से अप डाउन के बाद पोजीशन ठीक हो जाती है। इसी प्रकार हम दशमांश कुंडली में भी D10 में भी देखते हैं। तो हमें तीनों कुंडलियों का अध्ययन करना चाहिए, तीनों कुंडलियों में विचार करते हैं। तो और क्या मतलब करियर में सर उपचय स्थानों का स्थान बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल है कि जैसे हमारे उपचय स्थान होते हैं 3, 6, 10, 11 3, 6, 10, 12 हमारे उपचय भाव होते हैं। उपचय का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि यानी कि अगर वो हमें शुभ फल देना चाहते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी, और अगर वो अशुभ फल देना चाहते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी। मैं एक मेरी क्लाइंट थी, उसकी बेटी का वृश्चिक लगन था और उसका जो टेंथ लॉर्ड था सूर्य, वो 12th हाउस में नीच का बैठा था, और 12th लॉर्ड जो उसमें बैठा था 10th हाउस में बैठा था, तो ये दोनों का आपस में राशि परिवर्तन था। अगर त्रिक भावों के साथ किसी भाव का राशि परिवर्तन होता है तो वो धन्य योग होता है। उसकी बेटी गवर्नमेंट जॉब करती थी, टीचर थी, मैंने उसे बताया कि इसकी जॉब तो बहुत जल्दी छूट जाएगी क्योंकि इसका 10th लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठा है और नीच भी है, और 12th लॉर्ड 12वें भाव के स्वामी के साथ उसका राशि परिवर्तन भी है। हमें बहुत इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट है, एमए किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और गवर्नमेंट जॉब करती है, तो इसकी तो जॉब कंटिन्यू रहेगी। मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि कुंडली में प्रॉमिस दिख रहा है कि वो 10th लॉर्ड जो है 12th हाउस में नीच का है और 12th लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन है, क्योंकि वो दशम भाव में चला गया। तो नहीं मानी, करीबन 6-8 महीने के बाद वाई की उसकी जॉब छूट गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई, जॉब छूट गई, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद उसको मैंने कहा कि इसको इसका उपाय कीजिए, उपाय करवाया, दोबारा जॉब लगी, डीएवी स्कूल में लगी, फिर 6 महीने के बाद फिर छूट गई इसकी जॉब, यानी कि वो अप्स एंड डाउन चलता रहा उसकी, चलता रहा, तो कुंडली में प्रॉमिस नहीं था। तो फिर उसके बाद तो ये मतलब जैसे अगर दशम भाव के साथ भी संबंध बने दशमेश का या अष्टम भाव के साथ भी, तब भी यही स्थिति रहती है। हाँ जी, त्रिक भावों के साथ दशम भाव का संबंध शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। छठे भाव के साथ संबंध बनता है तो वो स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल। अगर दशम भाव का स्वामी छठे में बैठा हो तो बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन 8वें भाव में बैठा है तो अपमान, अपयश, कलंक मिलता है प्रोफेशनल लाइफ में, और 12th हाउस में बैठा हो तो जॉब छूटने के, बार बार जॉब छोड़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से हमारा दशमेश की जो स्थिति है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ये हमें सभी लगन में इसको चेक करना चाहिए, और त्रिक भावों के प्रोफेशन के लिए जी परफेक्ट। और त्रिक भावों के साथ तो कभी भी इसका संबंध नहीं होना चाहिए, अगर त्रिक भावों का संबंध होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं जॉब में प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकती है,
या कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर इसमें हमें ये बताइए कि उपचे भाव इसको हमारे जॉब में क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब हमारे लगन कुंडली की अगर हम बात करें करियर के लिए। हाँ जी, अब क्या होता है अगर 10th लॉर्ड दशम भाव उपचे भाव भी है जी, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो दशम भाव का स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में हो या लाभ भाव में बैठा होता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपको अपनी बेटी की ही कुंडली बताता हूँ, उसका वृश्चिक लगन ही है उसका भी, और दशम भाव का स्वामी सूर्य 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि प्रोफेशन से लाभ, क्योंकि प्रोफेशन का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है। उसका आज भी 40 लाख का पैकेज है, जब से उसने MBA करी है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा प्रोफेशन में तरक्की करती रहती है। यानी कि उपचे भाव का स्वामी अगर शुभ भावों में बैठा हो तो वो प्रोफेशन में वृद्धि कर रहा है, पैकेज में बढ़ोतरी करता जा रहा है, तो उपचे भाव का होने के कारण उसका भी बहुत बड़ा रोल हो। जैसे कि अगर दशमेश हमारा थर्ड हाउस में बैठ जाए क्योंकि वो भी हमारा उपचे भाव ही है, तो क्या वहाँ भी यही स्थिति रहेगा वो? नहीं, लेकिन वहाँ थोड़ी सी पोजीशन खराब हो जाएगी क्योंकि वो 6th हाउस है, 10th से दशम भाव से 6th हाउस है, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो उपचे भाव होने के कारण वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अगर दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, लगन में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में बैठा हो, तो उपचे भाव होने के कारण वो शुभ फलों में वृद्धि करेगा। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जॉब की, बात कर रहे हैं नई जॉब की, नई जॉब कब लगेगी, तो क्या इसमें मतलब छठा दसवा और दूसरे लॉर्ड का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कब नई जॉब लगती है, मतलब उस दशा पीरियड में नई जॉब लगती है छठे दसवें या दूसरे भाव के लॉर्ड में? शुभ भावों के स्वामी लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, इन भावों के स्वामियों की महादशा या अंतरदशा होती है तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमें उसका प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है 10th लॉर्ड का। तो जॉब हमेशा शुभ भावों के स्वामियों की महादशा या अंतरदशा में ही लगती है। तो इसमें हमारे मतलब छठे दसवें दूसरे ग्यारहवें इन सभी जो उपचे भावों का बड़ा रोल रहता है, और जब ये त्रिकोण और केंद्र के साथ संबंध बनाए तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जॉब मिलने। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें कारक ग्रह की, जैसे आपने शुरू में बताया कि हमारे इसमें चार कारक ग्रह हैं, सूर्य, शनि, बुध, जो आपने गुरु, तो क्या कारक ग्रहों का भी इसमें रोल है जॉब लगने के लिए प्रोफेशन में? हाँ जी बिल्कुल, कारक ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लो दशम भाव में सूर्य बैठा हो या दशम भाव से सूर्य का संबंध बनता है तो उसे सरकार से लाभ होता है, सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ मिल सकता है। अगर मान लो उसमें शनि की पोजीशन अच्छी है और दशम भाव से संबंध बन रहा है तो उन्हें नौकरी अच्छी मिलेगी और इंडस्ट्री लगाने की संभावना भी बढ़ जाती है। गुरु को हम इसलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, मान लो गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, गवर्नमेंट जॉब अगर सूर्य 10th हाउस में बैठा है या 10th हाउस के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी लाभ मिलेगा। अब गुरु बताएगा कि उसे जॉब कैसी मिलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, एक ऑर्डिनरी क्लर्क बनेगा या मिडिल क्लास का एम्प्लॉय बनेगा या हायर लेवल की मिलेगी, तो गुरु धन की पोजीशन बताता है और बुद्ध ये बताता है कि वो बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता, और बिजनेस में प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो धन का कारक गुरु ही बताएगा। तो मतलब इसी तरीके से हम मतलब ये कारक ग्रह को लगन में भी देखना है और दशमांश कुंडली में भी देखना है, दोनों में ही इनको देखना। बिल्कुल बिल्कुल, नवांश कुंडली में भी देखना चाहिए, उसका विचार लगन कुंडली, नवांश कुंडली और डिविजनल चार्ट दशमांश में भी देखना चाहिए। जी जी, तो अगर हम अभी बात कर रहे हैं दशमांश की, तो सर अब दशमांश का बताइए कि दशमांश में हम कैसे देख सकते हैं करियर के लिए, जॉब चेंज के लिए, या कैसी प्रोफाइल लगेगी, प्रमोशन कब हो सकते हैं या नई जॉब कब कर सकते हैं, तो दशमांश का थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके बताइए कि हम दशमांश कुंडली को कैसे एनालाइज कर सकते हैं।
दशमांश कुंडली या कोई भी डिविजनल चार्ट हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें लगन लग्नेश देखना पड़ता है और डिविजनल चार्ट का पर्टिकुलर हाउस देखना पड़ता है। अब दशमांश कुंडली में हमें दशम भाव, दशमेश और कारक ग्रह जो होते हैं उन सबको देखना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ता है। बाकी प्रमोशन वो हमें लगन कुंडली से देखना होता है। लगन कुंडली में जब भी गुरु या शनि का गोचर 10th हाउस या 10th लॉर्ड दशम भाव या दशमांश पर आता है तो बदलाव आता है। अगर गुरु का ट्रांजिट दशम भाव दशमेश पे आएगा तो बदलाव बहुत अच्छा होता है, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शनि का अगर बदलाव आता है, शनि का ट्रांजिट आता है तो बदलाव तो होगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन। तो जैसे नई जॉब ज्वाइन, जैसे नई जॉब के लिए उसके लिए हम क्या देखेंगे, ये सेम देखेंगे? नई जॉब के लिए हम ये देखते हैं कि जो महादशा या अंतरदशा वो कुंडली के हिसाब से देखी जाती है, जन्म कुंडली के हिसाब से। अगर शुभ दशाएं होती हैं और एज होती है 20 से 30 के बीच में होती है तो यानी कि उस पीरियड के अंदर तो नई जॉब लगने की संभावना बढ़ जाती है। दिशा अंतरदशा को चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमें गोचर को भी देखना चाहिए नई जॉब के लिए? बिल्कुल, गोचर भी देखना पड़ेगा। गुरु का प्रभाव आता है गोचर में तो जॉब लगने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। शनि से भी मिलती है जॉब, शनि के ट्रांजिट से भी मिलेगी लेकिन सेटिस्फेक्शन कम होगा, डिससेटिस्फेक्शन अधिक रहता है। गुरु के ट्रांजिट से सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। सर आप कोई अभी लाइव चार्ट पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है जैसे कि आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, हम कैसे ताकि व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आए कि अगर वो आईटी का प्रोफेशन देखे। मैंने चार्ट खोला हुआ दिख रहा है आपको? जी 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 सर, ये मीन लगन का है जी और ये 10th हाउस में गुरु बैठा हुआ है वक्री होकर जी। हाँ जी, ये चार्ट दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। अब मैं बताता हूँ, इसके जब जन्म हुआ था तो इसके पेरेंट्स बहुत ही गरीब थे। इसके फादर एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते थे। जब इस बच्चे का जन्म हुआ था तो इसकी मदर ने मुझे आके बोला था कि कैसी कुंडली है, तो मैंने इसको बताया था कि आपका बेटा बहुत तरक्की करेगा क्योंकि 10th लॉर्ड दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही बैठा हुआ है और वक्री होकर जो ग्रह हमारे कारक ग्रह होते हैं कुंडली के वो जब वक्री होते हैं तो उनमें 3 गुना शक्ति बढ़ जाती है और अकारक ग्रहों में भी 3 गुना शक्ति बढ़ जाती है। अकारक ग्रह अशुभ फल देते हैं लेकिन ये लग्नेश होकर अपनी स्वराशि में बैठा है और पंच महापुरुष योग बना रहा है तो ये बहुत ही अच्छा फल देगा। प्रोफेशनल 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है तो मैंने उसकी मदर को बोला था ये बहुत अच्छा प्रोफेशन होगा इसका, इसकी एजुकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठा है। लेकिन वो बेचारे बहुत गरीब थे, उन्हीं के रिलेटिव्स ने उनको फीस दे के बच्चे को पढ़ाया। ये बच्चा 9th में फेल हो गया था, उसकी मदर आके मुझे बोली कि आप तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रोफेशन होगा इसका, ये तो पढ़ाई छोड़ रहा है, कह रहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ट्यूशन लगाइए इसे, इसे पढ़ाइए, इसका जो प्रोफेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा। उस बच्चे को भी मैंने समझाया और थोड़ी सी मैंने फाइनेंशियल हेल्प कर रही थी ट्यूशन के लिए। उसके बाद ये बच्चा पढ़ गया, ग्रेजुएशन 12th कर गया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर गया और इसने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। गोदरेज कंपनी में काम करता था ये और टेंटों में बैठ के छोटे छोटे वो लगा के टेंट लगा के और उसकी सेल किया करते थे, प्रमोशन किया करते थे। आज की डेट में ये रीजनल मैनेजर है। क्यों? इसका जो दशम भाव का स्वामी है दशमेश बहुत ही शुभ फल दे रहा है, बहुत शुभ फल दे रहा है जिसके कारण इसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आगे भी कभी नहीं आएगी। जिसके फादर मुश्किल से 2-3 हजार रुपए कमाते थे, आज ये 2.5 लाख का पैकेज है इसका, 2.5 लाख पर मंथ का पैकेज है इसका, 2.5 लाख पर मंथ सैलरी है और ये बहुत अच्छा कमा रहा है। ये हमें दशम भाव दशमेश से ही पता लगा क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ उनके पेरेंट्स की पोजीशन देख के कोई नहीं कह सकता था कि इनका बच्चा पढ़ भी पाएगा, पढ़ा भी पाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा फल दिया उसने और
आज की डेट में वो देखो कहाँ पे है। फिर नवांश कुंडली में अगर देखते हैं तो उसका गुरु नाइन्थ हाउस में उच्च राशि में बैठा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इसका प्रोफेशन बहुत ही अच्छा होगा। इसके कारण हम मतलब जब भी बच्चे का जन्म हुआ तभी बता सकते थे। फिर हम दशांश कुंडली दशमांश कुंडली देखते हैं तो उसमें गुरु जो है अपनी शुभराशि का बैठा हुआ है, तो यानी कि लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली तीनों में ही इसका बहुत अच्छा टेंथ लॉर्ड बैठा हुआ था। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है बच्चे के जन्म का 3 या 4 महीने का था जब, तो अब उसके माँ बाप को बता दिया ये जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा, तो ये कुंडली से पता लग जाता है। हाँ जी, तो अगर जैसे कि कोई आईटी प्रोफेशन में हो उसके लिए क्या मतलब ग्रह योग होंगे? आईटी प्रोफेशन के लिए केतु अगर दशम भाव से संबंध बना रहा है या शुक्र कंप्यूटर का कारक बना रहा है तो ये आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। वही दशम भाव से इनका संबंध होना चाहिए और शुभ होने चाहिए जी, कहीं पे भी निर्बली नहीं होने चाहिए जी। और अगर जैसे फाइनेंस सेक्टर में सर अगर कोई जातक हो उसका क्या संबंध होना चाहिए? फाइनेंस के लिए गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है क्योंकि गुरु धन का कारक है। गुरु बैंकिंग, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनसे संबंध बनता है, तो वो फाइनेंस में जा सकते हैं जी। सर लॉयर जैसे लॉयर होते हैं उनके लिए हम क्या देखेंगे कॉम्बिनेशन अपने? लॉयर के लिए सबसे पहले शनि कानून का देवता और गुरु भी कानून से संबंधित होता है, तो गुरु कुंडली में दशम भाव दशमेश से यानी दशम भाव दशमेश से संबंध बनाता है या इन दोनों का आपस में पीएसी संबंध होता है, चाहे प्लेसमेंट हो एक दूसरे के भाव में, चाहे एस्पेक्ट हो, चाहे युति हो, तो ये कानून से संबंधित एजुकेशन करते हैं, उससे संबंधित प्रोफेशन होता है जी। और अगर कोई कंसल्टेंट की जॉब में है कोई, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कॉम्बिनेशन? कंसल्टेंट के लिए सबसे पहले हमें गुरु और बुध को देखना चाहिए। गुरु ग्रहों में मंत्री है, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। और बुध जिनका स्ट्रांग होता है वो भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि बुध शिक्षा का कारक है, बुद्धि का कारक है, ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कुंडली में गुरु और बुध की पोजिशन देखने से पता चल जाता है कि इनका दशम भाव या दशमेश से संबंध बनता है, तो ये अच्छे कंसल्टेंट होते हैं जी। और सर डॉक्टर्स के लिए हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे जो डॉक्टर्स प्रोफेशंस में होते हैं? डॉक्टर के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है फिफ्थ हाउस पंचम भाव या पंचमेश का संबंध पाप ग्रहों से होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की जो डिग्री है या डॉक्टर की जो पढ़ाई है एजुकेशन है वो टेक्निकल होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पंचम भाव में यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो डॉक्टर बनने की संभावना अधिक होती है। सूर्य और मंगल दो ग्रह ऐसे हैं जो पंचम भाव या पंचमेश से संबंध बनाते हैं, तो बच्चा या जातक जो भी है वो डॉक्टरी से संबंधित एजुकेशन प्राप्त करता है। और डॉक्टर के लिए चंद्रमा और सूर्य पीड़ित होने बहुत जरूरी है। चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं होगा तो जब इनको सर्जरी के लिए कोर्स कराया जाता है तो ये खून देख के ब्लड देख के घबरा जाते हैं, तो कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना भी बहुत जरूरी है, निर्बली होना जरूरी है। नहीं तो मान लो किसी का स्वराशि का चंद्रमा है वो बच्चा ब्लड देख के घबरा जाएगा, क्योंकि उसका मन जो है ना बहुत कोमल होता है। चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो वो डॉक्टर बनने की संभावना, अगर पंचम भाव पंचमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव और टेक्निकल एजुकेशन होगी, सूर्य और मंगल का होगा तो ये डॉक्टरी की तरफ चले जाते हैं, ऐसी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, चंद्रमा पीड़ित पहुंचे जी। और सर अगर जैसे कि हम बात करें एक इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए हम क्या कॉम्बिनेशन देखें? इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें कुंडली जन्म कुंडली में देखना पड़ता है कि लगन के 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे जो ग्रह बैठे हैं वो लगन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लगन को हेल्प करते हैं। इसी प्रकार दशम भाव दशमेश दशम भाव के 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे अगर ग्रह बैठे होते हैं वो हमारे प्रोफेशन को 10th हाउस को कर्म भाव को मजबूत करते हैं, इनके अंदर डिसीजन पावर अधिक हो जाती है, ये लोग
इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, जिसका लगन और लग्नेश मजबूत होगा उनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, और चंद्रमा मन का कारक भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लगन, लग्नेश और चंद्रमा जिनका स्ट्रांग होता है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें बुध की पोजीशन भी देखनी पड़ती है, अगर बुध स्ट्रांग होगा तभी वो बच्चा आगे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकता है। जैसे कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर में काम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हैं, उनके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे? शेयर मार्केट के लिए हमें सबसे पहले पंचम भाव पंचमेश को देखना पड़ता है और शुक्र और राहु की पोजीशन देखनी पड़ती है। शुक्र अगर स्ट्रांग होगा, पंचम भाव स्ट्रांग होगा, पंचमेश स्ट्रांग होगा तो शेयर मार्केट में ये जा सकते हैं, और अगर राहु का संबंध लाभ भाव से बनता है या लाभ भाव के स्वामी से बनता है तो इनको अचानक धन प्राप्ति होती है, अचानक लाभ होता है, क्योंकि राहु वो जो भी काम करता है अचानक फल देता है, विस्फोट करता है। तो पंचम भाव पंचमेश और शुक्र की पोजीशन देखने के बाद पता चलता है कि ये शेयर मार्केट से संबंधित काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी सर, और जैसे जैसे जो मीडिया में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उसके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे? लगन कुंडली में देखेंगे या दशमांश? लगन कुंडली में तो जरूर देखना ही देखना पड़ेगा, 60% तो लगन कुंडली से ही पता लगेगा, दशमांश और नवमांश भी देखना पड़ता है। मीडिया के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं, एक तो शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए कुंडली में और एक बुध स्ट्रांग होना चाहिए। बुध जो है पत्रकार बन जाते हैं, बैक स्टेज पे काम करते हैं, और शुक्र जिनका स्ट्रांग होता है उनकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो फ्रंट पे आते हैं, तो शुक्र वाले फ्रंट पे आएंगे और वो बुध वाले जो है बैक स्टेज पे, वो पत्रकार संवाददाता बन जाते हैं, स्टोरी राइटर बन जाते हैं। तो जैसे सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का करियर इंडिया में फ्लरिश होता है, कई लोगों का अपने जन्म स्थान से दूर होता है, या कई लोगों का अब्रॉड में जाके होता है, वो क्या रीजन रहता है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करियर कैसे हम देख सकते हैं? सबसे पहले हमें कुंडली में देखना पड़ता है तीसरे नौवें और बारहवें भावों का संबंध। तीसरा भाव हमारे लंबी यात्रा होता है, नवम भाव हमारा लंबी यात्रा होता है, और बारहवां भाव बेसिकली हम विदेश कहते हैं लेकिन होता वो जन्म स्थान से दूर है। तो आज की डेट में बहुत तेजी से, मतलब 3 घंटे में भी कोई भी फॉरन पहुंच सकता है, 5 घंटे में पहुंच जाता है। तो तीसरे नौवें और बारहवें भाव का संबंध जब भी बनेगा तो इनके विदेश से संबंध बनने की संभावना अधिक हो जाती है। और अगर दशम भाव बीच में इन्वॉल्व हो जाए या सातवां भाव जो सूक्ष्म कर्म स्थान है, अगर इनका भी संबंध 3, 9, 12 भावों से या उनके स्वामियों से बन जाता है तो इनके विदेश में प्रोफेशन की संभावना अधिक बन जाती है, फौरन जाके नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि इनकी परमानेंट सेटलमेंट है या नहीं है। अगर फोर्थ हाउस चौथे भाव जो हमारा मकान है, घर है, सुख भाव है, उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, चौथा भाव या चौथे भाव के स्वामी के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है और विदेश योग भी बन रहा है कुंडली के अंदर, तो ये बाहर जाके परमानेंट सेटल होगा। जैसे कि कई केसेस में फोर्थ लॉर्ड 12th लॉर्ड में बैठ जाता है, क्या तब भी ये स्थिति पैदा होती है? बिल्कुल, लेकिन उसमें 3, 9 का संबंध भी साथ में साथ होना चाहिए, 3, 9, 12 का संबंध होना चाहिए। अब चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठा है तो उसे सुख विदेश में मिलेगा, मकान इसका विदेश में बनेगा। तो अगर 3, 9, 12 का संबंध बना और साथ में प्रोफेशन का कर्म भाव का संबंध भी बन गया, चाहे भाव से चाहे उसके स्वामी से बन गया, तो विदेश जाके काम कर सकते हैं, प्रोफेशन इनका विदेश में स्ट्रांग हो जाता है। जी थैंक यू आचार्य जी, आज आपने इतने सारे कॉम्बिनेशंस बताए, इतने सारी कैलकुलेशंस बताई कि हमें लगन, नवमांश और दशमांश में क्या क्या देखना चाहिए। तो आज हमने जाना कि प्रोफेशन को हम कैसे देख सकते हैं, D1 में, D9 में और D10 में देख सकते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू, आपने अपना समय दिया और हम व्यूअर्स को बताया कि हम कैसे इन सब का काम कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार।